आदाब खातिनत आदाब मुझे नहीं पता था कि ये असल में आगाज़ होने वाला है दास्तान गोई की ट्रेनिंग का तो ये इश्क की जो असल बुनियाद है वो है पुरानी दिल्ली इश्क की दास्तान गोई से जो बुनियाद है वो है वहाँ की दीवानी औरतें और पगले आदमी <laughs> और इश्क की जो असल बुनियाद है दास्तान गोई से वो है मेरे उस्ताद दानिश हुसैन आज उन्हें कौन नहीं जानता बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम किया है उन्होंने फिल्म्स में काम किया है मैंने उनके साथ अपनी शुरुआत करी आपके नाम के आगे ये टाइटल लगा है कि आप देश की पहली महिला दास्तान गोई हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए कदम रखना एक ऐसी फील्ड में जहाँ पुरुषों का दबदबा था इतना आसान तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं है आप इसलिए उस मैदान में नहीं आते क्योंकि आपको इंडिया की पहली महिला दास्तान गो बनना है उससे इस मैदान में आप कुछ नहीं कर सकते आए आप... महाभारत करी उर्दू में मैं दास्तान या राम करी उर्दू में मैं अयोध्या में राम परफॉर्म करके आई हूँ अभी और प्योर उर्दू में दास्तान है वो जब दास्तान गोई की शुरुआत हो तो हाजरीन पेश है उस राज्य की कहानी अब ये अंदाज बदला ना मेरा और फिर दास्तान में मोड़ आया तेज दरिया बांध तोड़ आया ताब ऐसी के तख्त हिलने लगे ऐसे तेवर के ताज गिरने लगे मौत का रंग था फ़जाओं में एक सदा थी दसों दिशाओं में तुझ पे इल्ज़ाम है अनारकली खा कैसे महल की ओर चली इससे आगे का हाल कहते हैं चलिए माजी की ओर बहते हैं चलिए माजी की ओर बहते हैं आज की दुनिया में बहुत सारे लोग नौकरी करें कि पैशन को फॉलो करें इस बीच में बहुत फंसे हुए हैं तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर से है इसके अलावा आज मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं अगर मैंने गलत बोला हो क्योंकि आप इस जुबान की बहुत ज़्यादा जानकार हैं तो आज मेरे साथ में हैं देश की पहली महिला स्टोरी टेलर आसान शब्द में मैंने बोला अगर मैं परफेक्ट वो शब्द बोलूं तो है दास्तान गोई जी। मेरे साथ में है यहाँ पर फौजिया दास्तान गो ए बी पी लाइव पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ़ौजिया जी आदाब खुवान हजरात आदाब बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आप मुझे यहाँ बुलाने के लिए और कुछ थोड़ी बातें साझा करने के लिए ये जो आपने स्टार्टिंग में अभी बोला जिस तरह से आपने ग्रीट किया मैं चाहूँगी इसका मतलब भी अगर आप हमें बताएं भाई जैसे तो oh! <laughs> मतलब <ये> <laughs> तो शुरू करते हैं आपके बारे में जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा वीडियोस देखे आपके तमाम और पता लगा आपकी जिंदगी के बारे में कि कैसी रही है आपकी जिंदगी बट एबीपी लाइव पॉडकास्ट के सभी दर्शकों के लिए मैं चाहूंगी अगर आप जरूर से बताएं कैसा था बचपन अगर बीते दिनों में अगर आप जाएं, आई नो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर आप एक बार जाएं और बताएं कि कैसे थे आपके दिन और दास्तान गोई से आपको इश्क कैसे हुआ बचपन थोड़ा मुश्किल था बचपन 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 की तरह नहीं था बचपन में खेलना कूदना नहीं मिला उस तरह से क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल थी घर में तो जब मैं सातवीं क्लास में थी तभी से मैंने ट्यूशन शुरू कर दी थी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपनी तालीम को सपोर्ट करने के लिए और जहाँ तक सवाल है दास्तान गोई से इश्क का तो इश्क तो बेसिकली आपको बुनियादी तौर पर आपको उस जगह से होता है जहाँ पर आप रहते हैं मैं पुरानी दिल्ली में रहती थी और मुझे बहुत इश्क था उस जगह से तो उस जगह पे जितनी भी चीज़ें थीं उन सब से आपको अपने आप हाँ इश्क हो जाता है हाँ अब दास्तान गोई भाई मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ बारह साल पूरा तकरीबन मेरी पूरी पढ़ाई बुलबुल ख़ाना एक स्कूल है तुर्कमान गेट पे पुरानी दिल्ली में उसका नाम है बुलबुली ख़ाना मतलब वहाँ पर बुलबुलें होती हैं है ना <laughs> तो वहाँ की मैं पढ़ी हूँ बारह साल मैंने उर्दू मीडियम से वहाँ से पढ़ा है और तो उर्दू की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिला जानने का मौका मिला और मुझे ना शुरू से ही कहानियाँ मतलब बहुत ही पसंद थी आपको याद होगा एक सीरियल आता था आलम पना ओके okay. मैं स्कूल में थी उस वक्त और आलम पना सीरियल आया अ, मेरे ख्याल से डीडी पर आया था और वो बहुत ही मशहूर हो गया उसी वक्त तो उसका वो एक नावल पे बेस था तो मेरी सारी सहेलियाँ एलेवेंथ क्लास में जब मैं थी और वहाँ पर वो सब इकट्ठा हो जाती थी और बोलती थी कि भाई तुम ये नावल पढ़ के सुनाओ तो ये हमेशा से फरमाइशी प्रोग्राम ना हमेशा से हुए मेरे साथ कि ये कहानी पढ़ के सुनाओ ये कहानी ऐसे सुनाओ तो आ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये असल में आगाज़ होने वाला है दास्तान गोई की ट्रेनिंग का है ना ये उस इश्क की शुरुआत मतलब कहते हैं ना यूनिवर्स ने बहुत पहले पहले कर दी थी वो वो ये शुरुआत थी और मैं मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें करती थी अपने कॉलेज में करती थी अपने स्कूल में करती थी तो ये इश्क की जो असल बुनियाद है वो है पुरानी दिल्ली इश्क की दास्तान गोई से जो बुनियाद है वो है वहाँ की दीवानी औरतें और पगले आदमी <laughs> और इश्क की जो असल बुनियाद है दास्तान गोई से वो है मेरे उस्ताद दानिश हुसैन आज उन्हें कौन नहीं जानता बहुत सारी वेब सीरीज में काम किया है उन्होंने फिल्म्स में काम किया है मैंने उनके साथ अपनी शुरुआत करी <laughs> मेरे ख्याल से मैं जवाब दे पाई <laughs> बिल्कुल अच्छा जब क्योंकि आपके नाम के आगे ये टाइटल लगा है कि आप देश की पहली दास्तान गोई हैं पहली महिला दास्तान गोई हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए कदम रखना एक ऐसी फील्ड में जहाँ पुरुषों का दबदबा था इतना आसान तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं है और पुरुषों के मतलब ये जितने भी दासनगो के आपको रेफरेंस मिलते हैं जब आप पढ़ते हैं रिसर्च करते हैं तो वो अमूमा मर्द हजरात के मिलते हैं और जब मैंने दासन गोई करने की बारे में सोचा बेसिकली मेरे दोस्त ने प्रभात में हमेशा उनका नाम लेती हूँ अपने हर इंटरव्यू में उन्होंने कहा भाई तुम इतनी अच्छी कहानी सुनाती हो कि तुम दासनगोई शुरू करो जरा हाँ वहां से करो तो फिर दानिश हुसैन के साथ मैंने वो काम करना शुरू किया हुँ. तो लोग लो, देखिए बात ये नहीं है कि आपको फीमेल या आपको औरत दास्तन गो देखने की आदत नहीं है बेस असल में ये उस दो की बात है जब लोग मर्द को भी दास्तनगोई क्या होती है दास्तनगोई जैसे आज भी हमसे बहुत सारे लोग पूछना रहे हैं अच्छा वो क्या होती है जो हम आपसे भी थोड़ी देर में पूछेंगे तो दासतनगोई बहुत आम जबान में एक लंबी कहानी है ठीक है जिसमें कहानियों में दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना दास्तान गोई यानी लंबी कहानी सुनाना जैसे आप मैं अमूमन आम लोगों को समझाने के लिए अरेबिन है।, है।, है ना दास्तान तलिम होशरुबा है तिलिस्म यानी जादू होशरूबा यानी वो जादू जो आपके होश उड़ा दे तो ये सब दास्तान उस जमाने में थी एंड देन बैक टू कि आप कैसे डोमिनेटेड सोसाइटी में आप एंटर करती हैं और तब क्या होता हो बात मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि जो कि नहीं करती थी मतलब जिस एरिया से मैं आती हूँ जिस इलाके से मैं आती हूँ वो भाई लैंडलाइन के ज़माने की बात है ये है ना अभी आजकल तो बहुत हम लड़कियों को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं उस जिस जब मैंने ये शुरूआत जब मैंने वॉलीबॉल बॉल बॉल खेलना शुरू किया अपने सरकारी स्कूल में कि हमारे पास कोई हमारे पास कोई मतलब तो ऐसा कोई गेम टीचर भी नहीं था हमारे सरकारी स्कूल में लेकिन एक आते थे हर हर हफ़्ते में एक बार तो मैंने वॉलीबॉल बॉल खेलना शुरू किया तो उसी पे हंगामा हो गया कि खेल क्यों करना है खेल में क्यों खेलना है तो वहाँ हंगामा शुरू हुआ फिर उसके बाद जब मैंने मुझे याद है मेरी डॉक्टर नफ़ीस मैडम थी उन्होंने वो हमें फ़ारसी पढ़ाती थी तो क्योंकि मैंने दो साल फारसी पढ़ी और उसके बाद वो हमें एक गालिब इंस्टीट्यूट लेकर आई जहाँ पर एक ड्रामा हो रहा था रुस्तम सहराब और जब मैंने रुस्तम सोहराब देखा पहली बार क्योंकि उससे पहले तो मैंने स्टेज भी नहीं देखा था मुझे ही नहीं पता था कि प्ले क्या होता है स्टेज क्या होता है मुझे लगा भाई यहाँ मुझे होना है ये जगह है वो जो जो मुझे चाहिए लेकिन जिंदगी ने मौका नहीं दिया जिंदगी ने कहा भाई पहले पढ़ाई करो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करो थोड़े पैसे वैसे कमाओ और ईमानदारी की बात है पता भी नहीं था कि कहाँ जाए मुझे ये तक नहीं पता था कि मंडे हाउस में ये सब ड्रामे होते हैं या ये सब चीजें होती हैं तो महिला अब आती हूँ मैं महिला दास्तनगो पर महिला दासतनगो को एक्सेप्ट करना अभी लोग बड़ा बुलाते हैं अरे आप तो पहली महिला दास्तनगो हैं और मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैंने दास्तान गोई शुरू करी थी मुझे तब इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं पहली महिला दास्तनगो हूँ मतलब वो बात जब हमने रेफरेंस शुरू करी जब पढ़ना शुरू करा तो आप इसलिए उस मैदान में नहीं आते क्योंकि आपको इंडिया की पहली महिला दास्तनगो बनना है उससे इस मैदान में आप कुछ नहीं कर सकते आपको अपनी जगह बनानी है एक तो मर्दों की ज़मीन में दूसरी आपको जगह बनानी है अपने तरीक़े से जो जैसी शख्सियत आप हैं क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है ना कि देखिए मर्द जो औरतें जो दासनगोई करती थी वो ऐसे करती थी उनका तरीक़ा ये होता था मीर बाकर के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं लेकिन किसी वुमेन दासनगो के बारे में तो नहीं है ना तो वो एक सबसे बड़ी मुश्किल थी और फिर आ, मैंने अपनी ज़मीन चुनी अपनी ज़मीन चुनने का मकसद ये है मैंने शुरू में नन्नी की नानी कहानी सुनानी शुरू करी जो और तिल्स में होशुबा में औरतों का भी बहुत ज़िक्र है दास्तानों में उसको उसके साथ काम करना शुरू किया या आ, जब मैं आ, मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें शुरू करी मानसी जो लोग नहीं करे जब मैंने महाभारत करी उर्दू में मैं दास्तान ने राम करी उर्दू में मैं अयोध्या में राम परफॉर्म करके आई हूँ अभी और प्योर उर्दू में दास्तान है वो वो आपको उसका रिएक्शन कैसा मिला बहुत अच्छा बहुत ही मज़ा आया मुझे जब मैं अयोध्या गई और मैंने दास्तान ने राम सुनाई उर्दू में और मेरी अब तक की वो सक्सेसफुल दास्तान है क्योंकि देखिए वो पूरी शायरी की जबान में है वो पूरी दास्तान जो है पूरी शायरी की जबान में है क्या उसकी कुछ आप दे सकती हैं है बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप मेरा वीडियो देखें रितेश यादव मेरे साथ परफॉर्म करते हैं और हम दोनों वो दास्तान सुनाते हैं फिर हमने दास्तान महाभारत करी हमने दास्तान इश्क दास्तान राधा कृष्ण करी आ, फिर हमने दास्तान गांधी गांधी की अभी मैं दास्तान अनारकली पे काम कर रही हूँ जो सुमन बत्रा साहब की एक किताब है आ, जिसमें आ, उस पर बेस वो एक आधे घंटे की हमने दास्तान तैयार करी है <laughs> इसके साथ मैं आपसे ये ज़रूर से जानना चाहूँगी क्योंकि आजकल स्टोरी टेलिंग का शौक बहुत बढ़ गया है कई सारे यूथ आ रहे हैं स्टोरी टेलर को अपना पैशन के रूप में वीडियोस डालते हैं ऑन यूट्यूब ऑन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे आपसे ये जानना चाहूँगी क्या वो सही कर रहे हैं असली दास्तान गोई है क्या जिस ज़माने से इसकी इसकी शुरुआत हुई क्या थी और क्या इसे बदल दिया गया है या मतलब दास्तान गोई असल में है क्या सही आर्ट क्या है देखिए इसका जवाब बहुत स्पेसिफ़िक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास भी सिर्फ रेफरेंस हैं कि दास्तान गोई क्या है जैसे पहले अकेले दास्तान गो होते थे फिर दो लोग दास्तान गोई करने लगे तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे ना ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर एक बंदा इंट्रोड्यूस किया मतलब तारफ़ मैंने कराया भाई दो लोग करेंगे तो अब यही ठीक है है ना क्योंकि इसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं आ सकती ना कहीं कहीं से कि भाई ये सही है लेकिन हाँ काफ़ी बार मैं ऐसा देख रही हूँ मानसी जो आपका सवाल है वो ये है कि दास्तान गोई का मतलब है खालिसपन यानी प्योरिटी है ना ज़बान की मिलावट आप दास्तनगोई में नहीं कर सकते जैसे आज आज कल लोगों को ये बहुत लगता है कि वो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे या टोपी लगाएंगे या गरारा पहनेंगे और इस्टीज पर बैठ जाएंगे और स्क्रिप्ट बोलना शुरू कर देंगे वो दास्तनगोई नहीं है दास्तनगोई जैसे क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना मैं हमेशा कहती हूँ ये बात तो भाई आप जाइए उस्ताद के पास वहाँ सीखिए उसके बाद आप मैदान में उतरिए मतलब स्टोरी देखिए स्टोरी टेलिंग की आपने एक हफ़्ता वर्कशॉप करी सिक्स वीक्स का कोई कोर्स कर लिया छः हफ्ते का आप उतर गए हम स्टोरी टेलर हैं अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया दास्तान गोई में मेरे ख़्याल से बिल्कुल मुमकिन नहीं है आपको साल दो साल लगाने पड़ेंगे रियाज करना पड़ेगा जान लगानी पड़ेगी जैसे लोग तानपुरा लेके बैठते हैं ना वैसे ही वो वो रियाज चाहिए दास्तान गई में अगर तो दास्तान, दास्तान गोई की जुबान क्या है दास्तान गोई की ज़ुबान में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जैसे जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फ़र्क है आप क्या फ़र्क पाती हैं स्क्रिप्ट में दास्तान गोई की जो जिस तरह काम हमने किया है दास्तान गोई के स्क्रिप्ट में हमने बहुत ही लफाजी रिदम और एक सरगम होना चाहिए उसमें ठीक है आप नस्र भी बोलें तो उसमें भी एक सरगम होना चाहिए जब आप महाभारत सुनेंगे तो उसमें एक सरगम होना चाहिए जैसे काफ़ी बार मैं जब कहानियाँ सुनाती आप, आप कहानी सुना, एक राज, अरे पता एक राजा था वंस अपॉन अ टाइम देर इज़ किंग है ना लेकिन जब दास्तन गोई की शुरुआत हो तो हाजरीन पेश है उस राज्य की कहानी अब ये अंदाज़ बदला ना मेरा तो ये एक लार्ज दैन लाइफ चीज़ है क्योंकि दास्तान गो के पास देखिए जो स्टोरी टेलर होते हैं वो बहुत सारे प्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूज़िक और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं पपट्स इस्तेमाल कर सकते हैं ओके तो ये डिफरेंस डिफरेंस है ओके okay, so okay. हम हम सिर्फ एक गद्दे पे बैठते हैं हमारे पास जो हमारा असासा है वो है हमारी मतलब जिस तरह की हाव भाव हम इस्तेमाल करेंगे और हमारी आवाज उसके उतार चढ़ाव से आप वो कहानी सुननी है और अगर उस दास्तान में आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं मैं ऐसे ही व्हाइट कपड़ों में बैठी हुई हूँ अगर आपके सामने वो दास्तान एक फिल्म की तरह चलती है तो वो मेरी कामयाबी है एक दास्तान को की आपको वो चीज दि, दिखाई देनी चाहिए सामने जो आप बोल रहे जो मैं बोल रही हूँ अगर मैं उसमें कामयाब नहीं हुई तो मैं एक अच्छी दास्तानगो नहीं वो फिल्म की तरह चलनी चाहिए और आप जैसे काफ़ी बार लोग कहते हैं अरे आजकल तो रील्स का ज़माना है आजकल तो इंस्टा का ज़माना है लेकिन लोग एक घंटे डेढ़ घंटे बगैर हिले बैठ के सुनते हैं ये दास्तानगोई की ताकत है ये अमूमन स्टोरी क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ इसलिए मुझे पता है अच्छा दोनों में डिफरेंस दोनों में फ़र्क दोनों में फ़र्क है तो आपने तो बहुत सारी तारीफ़ें जो हैं वो बटोरी हैं क्योंकि आप इतनी खूबसूरत दास्तान गोई करती हैं लेकिन तारीफ़ जो आपको मिली वो भी मैं आपसे जानूंगी क्रिटिक्स भी होते हैं दुनिया में क्या कोई ऐसी बातें भी कही गईं जो आपको चुभी बहुत सारी ऐसी बातें कही गईं जो जो चुभी क्योंकि जब आप आ, किसी आ, चीज़ पे कोई कोई स्टैंड लेते हैं है ना तो देखिए हर हर फील्ड में एक लॉबी होती है जो आपको सपोर्ट करती है जो आपको प्रमोट करते हैं लोग आपको प्रमोट करें इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी मैं ना मैं जब इस जब आप इस इलाके में आ रहे हैं जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप आपके पास ना कोई एक बैगेज नहीं है कि आप इसकी बेटी हैं इसकी बीवी हैं इसकी बहन हैं है ना वो तो सर्टिफिकेट था नहीं मेरे पास मुझसे लोग पूछते थे भाई आप कौन है भाई मैं एक स्कूटर मकैनिक की लड़की हूँ हाँ तो अब वहाँ से लोगों को थोड़ा सा लगता है कि अरे ये 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 कैसे आ रही है दूसरी बात ये कि जब लोग आप आपके काम को इसलिए क्रिटिसाइज़ करें कि उनको आपको लेट डाउन करना है इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करें कि वो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं ये फ़र्क होता है, है ना तो वो तो क्या सिर्फ एक आप महिला हैं इसलिए आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे या कोई और कारण महिला है दूसरा हम उनको मतलब ऐसा लगता है ना कि ये हमारे अंडर में काम करें तो ठीक है जब आप एक इंडिविजुअलिटी लेकर आती हैं जब आप अपनी कहती हैं कि अब हम यहाँ से हमारा सफ़र अब हम खुद करेंगे हुँ. तो वो भी काफ़ी लोगों को उनको लगता है कि अरे इसने तो हमें चैलेंज कर दिया वो उसको एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं हुँ. है ना वो सबसे मैं समझती हूँ कि ख़राब बात है जी तो सफ़र की जो शुरुआत हुई इस पर मैं एक बार फिर से आना चाहूँगी चूंकि मैं जब आपका एक वीडियो देख रही थी उसमें आपने कहा था कि आपका दास्तान गोई बनना पैशन और नौकरी के बीच की एक लड़ाई थी सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल स्पेशली जितने भी यूथ हैं वो नौकरी कर रहे हैं नाइन टू फाइव की या उससे भी ज़्यादा की और कहीं <laughs> हाँ उसी चीज़ पर आएंगे और कहीं ना कहीं उनका पैशन कुछ और होता है और वो इसी धेड़ बुन में लगे होते हैं कि पैशन फॉलो करें कि नौकरी करें कि क्या करें तो इस पर मैं आपकी कहानी ज़रूर से जानना चाहूँगी ये फैसला आपने क्या लिया कैसे लिया कितना मुश्किल था और कितना वक्त लगा देखिए जब आप जॉब करते हैं नौकरी करते हैं उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि भाई महीने के आखिर में आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं ठीक है और वो पहली तारीख आ ही जाएगा पहली तारीख <laughs> ही जाएगा है ना और वो मैंने किया है वो मैंने 2006 से मैंने दासनगोई शुरू करी मैंने नौकरी छोड़ी है 2014 में काफ़ी लंबा वक्फा था वो भी नौकरी मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे जब भी कहीं परफॉर्म करने जाना होता था तो परमिशन नहीं मिलती थी आपको इजाज़त लेनी है आप एक एक सरकारी सेटअप में काम कर रही थी मतलब आप अपनी नौकरी के साथ अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर चुकी कर थी कर चुकी थी मैं जी, okay. मैं जी मैंने शोज किए हैं 2006 से 2000 मैंने नौकरी छोड़ी 2014 फरवरी में हाँ उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि मैं मुझे एकदम मैं हमेशा एक यूथ को ही कहती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको आज लगा ये मेरा पैशन है पैशन पे आपको काम करना मैंने उन दो से दो तक मैंने बहुत मेहनत से काम किया है मैंने अपने आप को उसमें मतलब पूरी तरह मैं रमी हूं उसमें मैं तो पूरी तैयारी के साथ आप अपने पैशन को अपना अपना रोजी रोटी बनाते हैं आप मैं हमेशा ये जल्दबाजी नहीं है इसका शॉर्टकट नहीं है आप ये नहीं कह सकते आज मैं नौकरी छोड़ूंगा आप कल से मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा नहीं उसकी एक तैयारी होती उसकी एक प्लानिंग होती कि हाँ इस वक्त मुझे ये नौकरी करनी है इस वक्त तक लेकिन मैं और हम हम जो लोग हम नौकरी कर रहे हैं हमें ऐसा करना पड़ेगा हमें नौकरी के बाद वो काम करना पड़ेगा मेरे अभी काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो नौकरी के साथ चीज़ें कर रहे हैं और जो कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बहुत बहुत आसान बात है तो इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है कि पैशन को आ, अपनी रोज़ी रोटी बनाना चाहिए जॉब छोड़ देनी चाहिए ये शायद एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉलिंग आपकी इनफरादी आपकी आपकी राय हो सकती है कि आप उसमें क्या क्या करना चाहते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए है ना ये पूरी तैयारी के साथ उतरिए जिस भी मैदान में आप उतर रहे हैं और हाँ ये नौकरी से ज़्यादा मेहनत मांगता है हम चौबीस घंटे के नौकर होते हैं मैं कल ही किसी को कह रही थी ये बात कि जब हम मैं क्योंकि मैं जॉब भी करती थी कि बड़ा आसान होता है ना कि हमारा सेटअप है एक नौकरी का है ना हमें पता है हमारा बॉस कौन है हमारे कॉलिग्स कौन कौन है हमें किससे रोज़ डील करना है सेटअप है लेकिन जब आप फ्रीलांस आर्टिस्ट होते हैं ना आपको हर बार एक नए क्लाइंट से बात करनी है हर बार आपको हर बार एक नए सेटअप में जाकर परफॉर्म करना है आपको हर बार एक नए शहर में जाना है है ना जब भी क्योंकि ये मैं इसलिए ये फ़र्क मैं इसलिए जानती हूँ कि मैं नौकरी करती थी हुँ. वो एक कुछ भी कहिए फिर भी वो एक कम्फर्टेबल एक स्पेस में आप होते हैं लेकिन यहाँ पर तो आप ही को सारा काम करना है ना और ये इतना आसान नहीं है ये देखने में बड़ा आ, फैंसी लगता है बड़ा रुमानवी लगता है लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है आप 24 घंटे के नौकर होते हैं आपका कोई सर्ड आप नहीं कह सकते अभी तो वीकेंड है अब जैसे अब जैसे ही आपका आप लोगों का जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं आप लोगों का ये लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ना हमारा नहीं आ रहा लॉन्ग वीकेंड हमारा कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं है हम काम कर रहे हैं उन दिनों हम छुट्टी पे कहीं नहीं जा रहे <laughs> तो ये फर्क है आपने तो अरमान ही मार दिए सबके लोग पैशन को <laughs> नहीं, लेकिन लेकिन इन सबके बावजूद अगर आप इसको चुनते हैं तो so है। वो, है। वो पैशन है वो पैशन वो पैशन वो पैशन पैशन यानी कि ये जो मैं कह रही थी आपने अरमान मार दिया अगर आपके मन में ये सवाल आता है हाँ, तो वो पैशन पैशन है हाँ बिल्कुल आप चुनिए और इसमें मजा है इसमें ऐसी बात नहीं है उसमें खुद मुख्तारी है इसमें इसमें भी एक मजा है इसमें एक सुकून है कभी आपको लगा नौकरी छोड़ने के बाद कि वापस जाना चाहिए नौकरी कभी में कभी जब पैसे कम पड़ जाते हैं सच में लगता है <laughs> <laughs> लेकिन फिर आप किस चीज को सोचकर आप रुकती हैं टिकती हैं अपने पैशन को ही फॉलो करती हैं मेरा काम मेरा काम आ, मतलब जब भी फिर 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 मुझे कुछ, कुछ एक मैं हमेशा कहती हूँ मुझे फिर कोई नया खुराफाती आइडिया सोचता है फिर हुँ. मैं उस पर कुछ और नई खुराफात करने लगती हूँ बल्कि वो और मुझे आगे बढ़ने को कहते हैं ना एकदम जुझारू बनाने में वो मुझे मदद करती है वो स्टेज अगर आती है तो एग्जैक्टली exactly. <laughs> तो आपने चूंकि इतनी सारी बातें की दास्तान गोई की मैं चाहूंगी आपके वीडियोस तो हम जरूर से देखेंगे इस वीडियो में भी लोगों को जरूर से दिखाएंगे योर परमिशन आप ही के वीडियोस लेकिन अगर कुछ लाइव हो जाए जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब से मैंने आ... ये ये कहा था कि दास्तान गोई करने वाली मैम जो है हमारे साथ में आएंगी तो आ... so अगर आप कुछ लाइव हमें झलकिया दिखाए बाकी तो वीडियो आप देख ही लेंगे असल में आज ही एक नई स्क्रिप्ट आई है मेरे पास और so, ये स्क्रिप्ट्स आप लोग खुद लिखते हैं या कोई और लिखता ये अलग अलग लोग लिखते हैं हमारे लिए और जो आपने जिक्र किया था कि हाँ। महाभारत उर्दू में रामायण हाँ। उर्दू में तो वो भी वो लिखते हैं कोई और ना हाँ। हाँ। और आप लोग इनको एक तरीके हाँ। से रिसाइट, रिसाइट करते हैं ओके okay. तो ये आज ही आई है इतफाक से क्योंकि और दास्तानों की बहुत बात हो चुकी है अनारकली की बात होनी चाहिए तो आज ये अनारकली का साखी नाम हम कहते हैं अनारकली के शुरुआत में जो हम पढ़ेंगे ये अभी अभी इतफाक से आया था तो मैं लेकर आ गई मैंने सोचा कि तो अभी तक हमने किसी को सुनाया नहीं है पहली बार मैं क्योंकि अभी ईमेल आया था एक्सक्लूसिव <laughs> इस, एक्सक्लूसिव इसको जी. लिखा है डॉक्टर बकुल देव ने ओके okay. बात जैसे बनी बनाई हुई एक कहानी सुनी सुनाई हुई दास्ता गो की जो चहेती है सुनिए हर बार लुत्फ देती है इसको रुदादे नादिरा कहिए या किसी डोर का सिरा कहिए ज़िंदगी थी कि ख्वाब था कोई एक अधूरा सा बाप था कोई हुस्न ऐसा कि बेमिसाल था जो इश्क ऐसा कि लाजवाल था जो इत्तिफाकन मिले तो ऐसे मिले लहर में कोई लहर जैसे मिले याद रखिए अनारकली की बात हो रही है जैसे दरिया की एक कहानी है एक रवानी थी बस रवानी है शहजादा भी शाह भी किरदार दोनों किस्मत की नाव में थे सवार और फिर दास्तां में मोड़ आया तेज़ दरिया बांध तोड़ आया ताब ऐसी के तख्त हिलने लगे ऐसे तेवर के ताज गिरने लगे मौत का रंग था फ़जाओं में एक सदा थी दसों दिशाओं में तुझ पे इल्ज़ाम है अनारकली खा कैसे महल की ओर चली इससे आगे का हाल कहते हैं चलिए माजी की ओर बहते हैं चलिए माजी की ओर बहते हैं है। तो अनारकली का इंतज़ार करिए बहुत जल्द आ रही है वाह अमेजिंग लाइव सुनने में बहुत ही अच्छा लगा दास्तान गोई मैंने पहली बार सुनी है लाइव अच्छा आपसे ये जरूर से जानना चाहूंगी जो आपको देखकर या आपकी तरह जो दास्तान गोई करना चाहते हैं बनना हुँ, चाहते हैं उनको आज आप क्या कहना चाहेंगी क्या वो अपने अंदर शामिल करें सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या दास्तान गोई बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जबान की सफाई आप जबरदस्त नहीं बोल सकते आपको ज़बरदस्त बोलना पड़ेगा जा और आ, आप फूल नहीं बोल सकते आपको फूल बोलना पड़ेगा तलफ और मेरे साथ बहुत रितेश यादव मेरे साथ काम करते हैं मेरे साथ फिरोज़ काम करते हैं मेरे साथ दीबा काम करती हैं इन सबको उर्दू नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि दास्तन गोई अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उर्दू आना ज़रूरी है लेकिन हाँ आपकी जबान जबान की मश आपकी होनी चाहिए दूसरी बात ये कि मेहनत और रियाज करने का देखिए इसका ना कोई शॉर्टकट नहीं है आप ये नहीं कह सकते कि बस मैं अभी ये दो महीने मुझे दासन को बना दीजिए वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो वो सब्र आपके अंदर होना चाहिए सब दासन को बनने के लिए सबसे ज़रूरी है सब्र हाँ और रियाज आपकी मेहनत और आपकी आवाज़ ये बहुत अहम चीज़ें हैं सो थैंक यू सो मच फौजिया दास्तान आज हमारे साथ थी एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर मैं एक बार फिर से यह बताना चाहूंगी ये देश की पहली फीमेल दास्तान गोई करने वाली महिला है थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें शेयर करें और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें